AWL में किराए बन रही है सर, इसमें अवॉइड करें। एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, ये आपके लिए थोड़ा सा ट्रैप हो सकता है। ऑलमोस्ट कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि अडानी ग्रुप में थोड़ा सा सतर्क रहिए, तब अडानी पोर्ट 900 रुपए चल रहा था, अडानी एंटरप्राइज ऑलमोस्ट 2300-2400 के आसपास चल रहा था। तो एक चीज हमेशा याद रखना, इतनी मंदी हो रही है और कुछ स्टॉक अगर आपको ब्रेकआउट या फिर इस टाइप का सिनारियो अगर आपको दिखा रहे होंगे, तो रिटेल ट्रेडर नॉर्मली उस ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करने जाएगा और स्मार्ट मनी आपको वहां पे फंसाएगा। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा अवॉइड करना चाहूंगा। अगर आपका नीचे का बाइंग है तो आप बने रह सकते हैं, तो फ्रेश खरीदारी की तो मैं राय नहीं दूंगा यार। ठीक है, फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है, और ये छोटे छोटे से एक टिक और एक दिन का अपर सर्किट, 5 दिन के लोअर सर्किट के बाद में, तो उस तरीके की चीजों से थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक तरीके का ट्रैप हो सकता है, परेशान हो सकता है। रिटेल मनी और स्मार्ट मनी का जो डिफरेंस होता है वो हम डिटेल में किसी और दिन चर्चा कर लेंगे, लेकिन फिलहाल जो राय निकल के आ रही है वो ये है कि अभी ये एक दिन की तो तेजी है, ये कहीं कोई मौका नहीं है, हो सकता है आप परेशान हो जाए। ये अगर आप पहले से खरीदारी करके रखे हुए हैं तो कोई बात नहीं, तो शायद बने रह सकते हैं। यही कह रहे हैं नितेश जी? ठीक है।